आज मैं बनाऊं कि मटर और बैगन की सब्जी। तो चलिए बनाते हैं। ये सब्जी बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये काले बैगन है, ये मटर है, ये टमाटर है, ये मेथी की भाजी है, ये नींबू लहसुन है, ये नमक है, ये लाल मिर्च है, ये हल्दी है, और ये धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला है, और ये हींग है, और ये पानी है। पहले कढ़ाई रख दीजिए, उसमें तेल डालकर गरम होने दीजिए। तेल हमारा गरम हो गया है, अभी हींग डाल दीजिए। अभी उसमें टमाटर डाल दीजिए, बैगन भी डाल दीजिए, मटर भी डाल दीजिए, और थोड़ी हरी मिर्च मेथी की भाजी डाल दीजिए। और इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। फिर इसमें थोड़ा नमक स्वाद अनुसार डालिए। हल्दी डाल दीजिए। अभी उसको थोड़ी देर गरम होने दीजिए। अभी हमने भाजी में पानी डाल दिया है, उसको अब अच्छी तरह से गरम होने दीजिए। अभी भाजी को हम गरम होने देंगे, उसके लिए 15 मिनट ढक कर रखिए। चलिए देखते हैं, अच्छी तरह से हमारी सब्जी गर्म हो चुकी है। इसमें अभी हम नीले लहसुन डालेंगे। लाल मिर्च डाल देंगे। धनिया पाउडर, गरम मसाला, अब हम अच्छी तरह से सब मसाला मिक्स हो जाए इस तरह से हलाएंगे। ये अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो गया है, अभी हम उसको अच्छी तरह से थोड़ी देर भून देंगे। अब ये सब्जी तैयार हो गई है, अब हम प्लेटिंग करेंगे।
इस सब्जी को रोटी के साथ सर्व करें और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना।